हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर टॉपिक्स को देखेंगे। बट इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट, टू मिरर्स एट एन एंगल थीटा प्रोड्यूस फाइव इमेज ऑफ अ पॉइंट। द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज डिक्रीजेस टू थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है। यानी एक दो प्लेन मिरर हैं और दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है स्टेंट, वो एंगल कितना गिवन है, थीटा। अगर थीटा गिवन है तो उस समय जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कितना हो रहा है, फाइव इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं स्टेंट, तो इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा तो थीटा यहाँ पे थीटा माइनस वन, क्लियर स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ इमेज गिवेन है हमको, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5 अपॉन 360 अपॉन थीटा माइनस वन, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 6 इक्वल टू 360 अपॉन थीटा कट जाएगा 6 टाइम्स में। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज डिक्रीज टू थीटा माइनस 30 डिग्री। यानी जो अब हमारा नया एंगल होगा लेट, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा डैश, ठीक है। तो थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए थीटा माइनस 30 डिग्री। तो थीटा कितना आया, 60 माइनस 30, है ना। यानी नया जो हमारा एंगल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन, क्लियर स्टूडेंट। 360 अपॉन थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस वन, तो कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में। इट मीन्स 12 माइनस वन, देन वी गेट 11। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया स्टैंड, 11। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू मिरर्स आर कैप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर। यानी दो मिरर हैं, प्लेन मिरर, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना स्टैंड, 60 डिग्री, है ना। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर स्टैंड। तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम, तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री पे रखा हुआ है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा कितना गिवन है, 60 माइनस वन, ठीक है। तो कट जाएगा 6 टाइम्स में। इट मीन्स 6 माइनस 1 वी गेट 5, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेगा स्टैंड, 5 मिलेगा। ये ऑलरेडी AIEEE 2002 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, हमारा टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। तो देखिए पहला केस क्या देख रहे हैं कि मोमेंट परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना। यानी यहाँ पे मान ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ओ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो, ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है। तो इसका इमेज कहीं पे पीछे बनेगा सेम डिस्टेंस पे। अगर मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट तक का, उसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स नॉट, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स आई डिस्टेंस पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये इमेज किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द मिरर, है ना। तो यहाँ पे जो इमेज का वेलोसिटी है दैट इज़ वी आई मान ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वी नॉट, है ना। तो ऑब्जेक्ट वी नॉट वेलोसिटी से मिरर की तरफ जा रहा है, तो जो उसका इमेज बनेगा वो इमेज कितने स्पीड से इधर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, है ना, यानी एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। अब हमको वेलोसिटी चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी आई, है ना। इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट,
क्लियर है। बट ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ रहा है, मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्लियर है। बट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन किस पे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेम पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर स्टूडेंट। तो ये माइनस वाले को उठा के इधर ले जाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी आई यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो प्लस, दोनों ऐड हो जाएगा, इट मीन्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, अगर जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है वो किधर जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है यानी परपेंडिकुलर टू मिरर मोशन कर रहा है, तो सिचुएशन में वेलोसिटी कितना आ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इमेज का टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलिए सेकंड केस को देखते हैं, सेकंड केस में क्या है, तो मूवमेंट अलोंग मिरर है ना, जो हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है, तो एक्स नॉट डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्या हो रहा है मूव कर रहा है, मान ले रहे हैं वो वेलोसिटी कितना है वी है, और इसका जो इमेज बनेगा अपोजिट साइड है ना, यहाँ पे हमारा इमेज है और ये हमारा क्या हो गया स्टंट ऑब्जेक्ट, तो इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है मान लीजिए एक्स आई है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा उतने ही स्पीड से क्या होगा इमेज भी जाएगा, है ना। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के इक्विवेलेंट होगा, है ना, जितने स्पीड से ये ऊपर उतने स्पीड से इमेज भी हमारा क्या होगा ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए केस नंबर थ्री में देखते हैं, एट एन एंगल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इतने ही डिस्टेंस पे पीछे की साइड यहाँ पे उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ भी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं थीटा एंगल फॉर्म करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल के साथ मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो इमेज होगा वो इमेज का स्पीड कितना होगा वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वी है इस वी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना, दो पार्ट में हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, तो एक क्या हो जाएगा वी यहाँ पर आ जाएगा स्टैंड आपका कॉस थीटा, और दूसरा जो कॉम्पोनेंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, यानी एक जो इसका कंपोनेंट होगा वो पैरेलल कंपोनेंट होगा, है ना, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा भी पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रिजॉल्व करने के बाद हम दो चीज़ निकालना पड़ेगा, सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कौन सा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बट कौन सा वेलोसिटी पैरेलल वेलोसिटी, ठीक। ये दोनों हम जब फाइंड हो जाएगा तो दोनों को फाइंड करने के बाद हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, तो देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिजल्टेंट इन रूट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये पैरेलल वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर स्टूडेंट।